अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूबर नहीद आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। सुबह का टाइम है और 7 बज चुके हैं, तो नाश्ता मैं बना रही हूँ। रोटी मैंने बना ली है और सर्व भी कर दी है। रोटी मैंने जो सी दी है सालन जैसा था, रात का बना हुआ था, शिमला मिर्च थी, 7 आलू थे बनाए, तो मैंने शिमला मिर्च आलू वाला सालन जो सा वो रात को ही बनाया था। सुबह मैं कम ही सालन बनाती हूँ क्योंकि सुबह देर भी हो जाती है इस तरह बनाते बनाते, तो रात का सालन ही मैं अक्सर सुबह के टाइम यूज़ करती हूँ। अगर ना सालन हो सुबह के टाइम या कम सालन हो तो फिर मैं अंडे का सालन जो सा है वो बना लेती हूँ, तो इसलिए फिर मुझे सुबह नहीं बनाना पड़ता सालन वगैरह। और चाय जो सी वो बन चुकी है और मैं और मेरी बेटी जो सी हम बाकर खाने का नाश्ता करने लगे हैं। चाय में मैंने पत्ती थोड़ा सी हल्की डाली है, जब मैंने खुद चाय पीनी हो अकेली ने तो फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टी बनाती हूँ, लेकिन अब सबने चाय पीनी थी तो इसलिए पत्ती मैंने थोड़ा सी कम डाली है क्योंकि उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है पत्ती, तो इसलिए भी मैंने कम डाली है। और चाय बन चुकी है, इसे मैं थोड़ी देर पका रही हूँ। इसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं बाकर खानी में इसे डालूँगी। बाकर खानी मैंने बाउल में डाल के रख ली है, तो अब हम नाश्ता करेंगे। बाकर खानी साथ लेंगे चाय उसके। अब दोपहर का टाइम है तो मैंने बनाया है दाल चावल। आज फ्राई करते हुए काफ़ी टाइम मुझे लग गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उससे पहले हवा बहुत तेज़ चली थी जिसकी वजह से डस्ट वगैरह कमरों में चली गई थी। और जैसे गमले वगैरह हैं जिसमें पौधे वगैरह हम लोगों ने लगाए हुए हैं, उसमें से भी बारिश के पानी के साथ मट्टी काफ़ी ज़्यादा सहन में आ जाती है, जिसकी वजह से सहन जो है उसे अच्छे से धोना पड़ता है। तो मैंने सफाई वगैरह की और टाइम मुझे काफ़ी लग गया, और फिर मैंने कहा चलो क्विक रेसिपी यही है कि दाल चावल बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मूँगी मसर की दाल बना ली, साथ मैंने चावल बना लिए। तो मैंने जो सा पेस्ट है टमाटर मिर्चें और अदरक का वो बना कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये भी छीलना नहीं पड़ता, तो इसलिए जल्दी बन जाती है फिर चीज़ें। सिर्फ प्याज ही मैंने कट किया और लहसुन छीला, तो बस फिर जल्दी से ये बना ली। और इसके बाद बच्चों को सर्व कर रही हूँ अब मैं, ये मूंगी मसरों की दाल है और अब मैं बच्चों को सर्व करूँगी। फिर उसके बाद इन्हें खाना वगैरह खिलाने के बाद थोड़ा सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो से हैं वो मैं मशीन में डाल दूँगी ताकि साथ साथ धुल जाएँ वो भी। को मैंने दाल चावल जो थे वो डाल दिए थे और अब मैं खुद अपनी प्लेट में डाल लिए हैं, खा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर इतना ज़्यादा काम हो तो रोटी साथ बनाना, साथ सब्ज़ी काटना काफ़ी काम बढ़ जाते हैं, तो इस तरह ही मैं करती हूँ। जब भी मेरा ज़्यादा काम हो तो फिर मैं आसान सी रेसिपी यही होती है कि ये बना लूँ। और अब मैं कपड़े जो है वो भी मशीन में डाल आई हूँ, उसके अलावा बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, साथ मैंने चाय रखी हुई थी। चाय बना के मैं अब अंदर ही आ गई हूँ रूम में, और चारपाई वैसे मैंने बाहर बिछा ली है क्योंकि तकरीबन टाइम अब शाम का ही होने वाला है, तो इसलिए फिर मैं अब चाय पीने के लिए आई थी अंदर। साथ मैंने कहा थोड़ा सी रेस्ट करती हूँ जब तक मशीन स्टॉप नहीं होती, तो फिर कपड़े वगैरह जो से हैं निकाल के फिर उसे स्पिन वगैरह कर लूँगी। और अब शाम का टाइम है, शाम के टाइम बच्चे जो से थे वो बाहर सहन में बैठे हुए कोई ना कोई चीज़ बनाते रहते हैं, तो आज मैंने उससे कहा कि लाओ मैं तुम लोगों को कोई चीज़ बना कर देती हूँ, क्योंकि मैं फारिग थी। चावल मैंने दोपहर में बनाए थे, दाल बनाई थी, शाम को कोई काम नहीं करना था इतना, कोई रोटी वगैरह नहीं बनानी थी, वही पड़े थे वही खा लेने हम लोगों ने। तो फिर मैंने साथ अपनी बेटी के साथ मिल के ये मिंट चाय बनाया, देखिए कितना अच्छा बना है। उसकी चूड़ियाँ मेटल की थी, वो उसे छोटी हुई थी, तो इस तरह मैंने एक दूसरे के अंदर चूड़ियाँ डाल के उसे नीचे लटका दिया, ऊपर मैंने ये वाले बीड्स जो से वो लगा दिए। ये इसका ब्रेसलेट वगैरह था टूटा था, इसने मोती संभाल के रखे हुए थे वो मैंने लगा दिए यूएच क्रीम के साथ। ऊपर हार्ट जो से बनाया मैंने, वो शादी का हार्ट था एक तो पड़ा हुआ था, वो उसके वो काट के उसके साथ फिर मैंने हार्ट बना दिए। ऊपर मैंने एक बोतल ली, उसके अंदर इसे सब चीज़ों को और एक एक जो सी लड़ी होती है उसे मैंने सुए की मदद से अंदर उसके डाल डाल के, तो
के बिना गिरा लगा दी। इस तरह ये विंड चाइमियों से बनकर तैयार हो चुका है और ऊपर मैंने एक छोटी सी डोरी ले ली दरमियान में बांधने के लिए ताकि इससे कहीं आप हैंग कर सकें वॉल के साथ। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है। बाहर मैंने इसलिए लटकाया हुआ है कि एक तो ये ड्राई हो जाएगा, दूसरा ये कि अभी हम बाहर बैठे हुए थे तो बच्चे बाहर देख रहे थे, साथ हैप्पी हो रहे थे इसे देख कर। और ये कपड़े देखें, कपड़े भी धुल चुके हैं। तो कुछ कपड़े मैंने उतार के उनसे वो रख दिए थे क्योंकि वो ड्राई हो चुके थे, ये गीले थे अभी। और अब टाइम हो चुका है 6 o'clock शाम के, तो बच्चे जो से हैं उन्होंने केक बनाने लगे हैं। तो इस तरह बच्चों के साथ आप कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, बच्चे हैप्पी भी रहते हैं और बोर भी नहीं होते। और दूसरा ये कि उन्हें चीज़ें बनाने आ जाती हैं। ये देखें अब केक बनाना है, वो केक जो सब बनवा रहे हैं साथ मिलकर, चीज़ें बड़ी खुशी से लाकर मुझे पकड़ा रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ उनके साथ केक। और इस तरह मैंने जो सा केक का सांचा है इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है, साथ में आटा जो सा खुशका सा है वो वाला डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने ये देखें जो सा मैंने अमेजा तैयार किया है वो डाला है। अमेजे का कलर इसलिए इस तरह का लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने कोको पाउडर डाला था। फिर इस तरह एक पतीला लिया, उसके अंदर स्टैंड रखा, साथ फिर मैंने उसे थोड़ा सा प्री हीट किया। उसके बाद मैंने इसमें ये जो सा केक बनाने के लिए सांचा जो सा है वो इसके अंदर रख दिया। तो इसे मैंने तकरीबन 45 मिनट के बाद चेक किया, पहले 40 मिनट्स के बाद किया, फिर मैंने 45 मिनट्स के बाद चेक किया। तो ये केक जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह बच्चे हैप्पी हो जाते हैं और बोर नहीं होते। आप लोगों को भी चाहिए इस तरह बच्चों के साथ काम करें, साथ उन्हें काम करने की आदत पड़ती है, दूसरा ये कि उन्हें काम भी आ जाता है। और ये थी मेरी वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।